साथियों नमस्कार। अगर आपके यहाँ का मौसम गायों भैंसों को हीट में लाने लायक हो गया है, आपकी जो फर्स्ट टाइमर कटड़ी बछड़ी है उसका वजन 2.5 से 3 क्विंटल हो गया है, एज उसकी लगभग 2 साल हो रही है, या फिर आपके यहाँ जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है वो बच्चा दिए हुए उसको 2.5 से 3 महीने हो गए हैं, तो भाई वो प्रॉपर समय आ गया है जब आपको इन्हें हीट में लाना चाहिए। और हीट में लाने की जब भी बात करते हैं ना, बहुत सारे पशुपालक भाई गलतियाँ करते हैं, और उनमें से अगर मैं प्रमुख गलतियों की बात करूं तो सीधा ही किसी पशु चिकित्सक को बुलवाएंगे और डायरेक्ट कहेंगे इसके इंजेक्शन लगा दो ताकि ये बोल जाए, डायरेक्ट ला करके महंगी महंगी दवाएं दे देंगे कि ये बोल जाए। ये सोचते नहीं है कि क्या इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी हमारी भैंस पर पड़ सकता है क्या। कभी भी दवाएं देने से पहले, आज के इस वीडियो में मैं डिवॉर्मिंग की और मिनरल मिक्सचर की मल्टीविटामिन गोलियों की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सब बातें आपको पता है, किसी को भी हीट में लाना है गाय भैंस को तो उसकी डिवॉर्मिंग जरूरी है, मल्टीविटामिन की गोलियां जरूरी है, ये आपको बताने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कौन सी ऐसी 3 घरेलू चीजें हैं जिनको आप हीट में लाने की दवा देने से पहले इस्तेमाल करेंगे? हीट में लाने की, चाहे आप आयुर्वेदिक दवा देते हैं, चाहे आप होम्योपैथी दवा देते हैं, चाहे आप एलोपैथी दवा देते हैं, कोई सी भी दवा दें उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये 3 घरेलू चीज़ें पहले से दे दें। और इन 3 घरेलू चीज़ों में अगर मैं प्रथम बात करूं और प्रमुख बात करूं, और आप सभी को इनके बारे में पता भी है, और वो है दोस्तों हल्दी। जी हाँ, हल्दी का रोल जो है वो बहुत बड़ा है। ये बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करती है, इसके अलावा हीट में लाने में भी मदद करती है। शुरुआत में मैंने जो क्राइटेरिया बताया है वो सारे क्राइटेरिया आपकी गाय भैंस कंप्लीट करती है, आपका मौसम सही है वहाँ का, तो भाई आप हल्दी देना शुरू कर दीजिए। कितना देंगे? 50 ग्राम रोज उस गाय भैंस को हल्दी दीजिए जिसको आपको हीट में लाना है। कम से कम 20 दिन तक यानी 1 किलो हल्दी लगेगी, वो आपको देनी ही पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके एरिया में लगता है कि हल्दी थोड़ा बहुत नुकसान कर रही है तो 50 ग्राम की जगह आप 25 ग्राम दे दीजिए, या अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ले लीजिए कि सर हमारे एरिया में मैं हल्दी देना चाहता हूँ तो क्या कंडीशन रहेगी। तो आप 25 से 50 ग्राम रोज़ हल्दी उस गाय भैंस को देना शुरू कर दीजिए जिसको आपको हीट में लाना है, और 20 दिन तक लगातार देना है। ये पहली और प्रमुख बात होगी। अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो दूसरी है अंकुरित दाने। अंकुरित दाने आप अगर नहीं देंगे ना, तो आप मान के चलें जो हीट में लाने की दवा देंगे उसके बाद जो दवा दे दी हीट में आ भी गई तो कंसीव होने के चांसेस कम रहते हैं। और वही अगर आप कुछ अंकुरित दाने जो मैं बताने जा रहा हूं वो अगर आप देते हैं, सही तरीके से देते हैं, तो भाई गजब का रिजल्ट मिलने वाला है। कैसे देंगे? नॉर्मली हम जो दिलवाते हैं उसमें देखिए गेहूं और चना, ये 2 चीज़ें दिलवाते हैं। गेहूं कैसे देना है आपको? मात्र 250 ग्राम गेहूं लेने हैं, और आज जैसे उनको पानी में डाल दिया, दूसरे दिन उन्हें पानी में से निकाल करके और किसी टाट बोरी कपड़े में बांध दिया और उसके ऊपर पानी के छींटे ही लगाएंगे, और तीसरे दिन जब वो अंकुरित से हो जाएंगे उस समय हमें हमारी उस गाय भैंस को खिलाना है जिसको हीट में ला करके कंसीव करवाना है। इसी तरीके से पहले दिन आपने गेहूं भिगोए तो दूसरे दिन आप चने भिगोएंगे, और दूसरे दिन जो चने भिगोएंगे वो 2 दिन बाद दे दिए जाएंगे। यही प्रोसेस आपको लगातार करना है, वही 20 दिन करना है। अगर ये आप लगातार 20 दिन तक करते हैं और साथ में हल्दी देते हैं तो भाई बहुत ही गजब का मामला रहता है, शानदार। आप ये गेहूं या चना जो देते हैं किसी भी समय खिला सकते हैं, कोई समय की बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह खिलाइए शाम को, नहीं, किसी भी समय आप खिला सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष दलिया है जो आपको देना ही चाहिए, और वो दलिया है दोस्तों बाजरे का दलिया। जी हाँ, बाजरे का जो दलिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस गाय भैंस को देना जिसको आप हीट में लाना चाहते हैं। मैंने जितने भी चीज़ें बताई है ना, चाहे तीसरी चीज़ दलिया वाली हो, दूसरी चीज़ चना और गेहूं वाली हो, ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़्यादा गर्मी करके नुकसान कर देगी। गर्मी की चीज़ें हम नहीं दिलवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी की चीज़ें, अभी भी गर्मी इतनी शांत नहीं है मौसम की, तो अगर ज़्यादा गर्मी की चीज़ें देंगे तो नुकसान हो सकता है। तो आधा केजी जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं,
जितना दे रहे हैं उनमें से आधा केजी पौन केजी कम कर लीजिए, क्योंकि भाई 250 ग्राम गेहूं भी जाएंगे और इधर ये बाजरा भी जाएगा, तो वो पौन केजी कम कर दीजिए और उधर थोड़ी सी खली की मात्रा बढ़ा दीजिए। थोड़ी खल अगर आप ज़्यादा देंगे तो प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी, इधर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो रेशियो रहना है वो प्रॉपर रह जाएगा। तो आप बाजरा आधा केजी रोज, बाजरे की गुगरी बनानी है यानी उन्हें उबाल करके ठंडा करके फिर से देना है, ये बहुत अच्छा रहेगा। आधा केजी प्रति पशु बाजरा आप उबालिए और बाजरे का दलिया, बाजरे को क्या करते हैं दो दो टुकड़ों में कर लिया जाता है, पिसवा लिया जाता है दो टुकड़े, और उसके बाद उसका दलिया बनाया जाता है, और वो दलिया अगर आप देंगे ना तो भाई बहुत ही शानदार सिद्ध होगा उस गाय भैंस के लिए जिसको आप हीट में लाना चाहते हैं। अब ये आपने 15-20 दिन तक दे दिया, तो ये अगर आपने 20 दिन तक दे दिया उसके बाद ही आप कोई दवा दीजिएगा, और कोई भी दवा देने से पहले आप सभी को पता है कि डिवॉर्मिंग और मल्टीविटामिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप पहले से दे चुके हैं और ये जो तीनों चीज़ें आज मैंने बताई है वो दीजिए, उसके बाद भाई आप हीट में लाने की दवा हालांकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हीट में आ ही जाएगी नेचुरली, अगर नहीं आती है फिर कोई दवा आप 5-10 दिन रुक करके और करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस वाली एड टू जैड डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, आप वहाँ डेयरी फार्मिंग सेक्शन में जाइए और वहाँ जाकर के डेमो क्लास भी है, वहाँ मैं फ्री लाइव भी आता हूँ, तो आपको सभी सुविधाएं वहाँ मिल जाएगी, तो आप भाग ले सकते हैं। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, स्काईलार्क का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।